स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज मैंने कुछ ऐसी मूवीज आपके लिए लेके आया जिसमें आपको एक्शन एडवेंचर थ्रिलर और सस्पेंस सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये जितनी भी मूवीज है सारी की सारी मल्टी स्टारर मूवी है। आप लोगों ने बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज देखी होगी जहाँ पे आपको एक ही नहीं बल्कि दो तीन चार एक्टर्स एक ही फिल्म में देखने को मिलते थे। हालांकि वो सब 70s या 80s में होता था, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अगर ऐसा होता भी है तो मोस्टली दो ही हीरो होते। लेकिन हॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज आपके लिए लेकर आया जिसमें आपको बहुत सारे एक्टर्स देखने को मिलेंगे और अलग अलग कहानी देखने को मिलेगी। और साथ साथ ये सारी की सारी मूवी में आपको एक्शन थ्रिलर सस्पेंस मिस्ट्री सब कुछ देखने को मिलेगा। तो कौन सी ये मूवीज है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट को करें सब्सक्राइब और जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। साथ साथ मैं मूवीज और वेब सीरीज का रिव्यूज भी लाता हूँ, ट्रेलर का रिव्यूज भी लाता हूँ। तो आपको मल्टीपल चीजें इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इस चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। और जितने भी मेरे व्यूवर्स है जितने मेरे सब्सक्राइबर उन लोगों से मैं इतना ही कहना होगा कि थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल को आज यहाँ तक पहुंचाया उसके लिए दिल से थैंक यू। तो इस वीडियो को भी आप लोग एंजॉय करो, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हमारे लिस्ट में पांचवें नंबर पे वंस अपॉन अ टाइम इन मैक्सिको। ये मूवी रिलीज हुई थी 2003 में। एक्शन से भरपूर मूवी है ये, जिसे डायरेक्ट किया है रॉबर्ट रॉड्रिक्स ने। ये मूवी सीक्वल है 1993 और 1995 में आई मूवी एल मराची और डेस्परेडो का। इसमें हमें नजर आते हैं एंटोनियो बेंडेरस, सलमा हयाक, जॉनी डेप, मिकी रॉर्के, इवा मेंडेस, डैनी ट्रेगो, एंड्रिक्स। कहानी शुरू होती है एक हिटमैन एल मराची से, कैसे वो ना चाहते हुए भी फिर से उसको वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो फिर कभी नहीं चाहता था करना। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी होती है जिसकी वजह से उसे हथियार उठाना पड़ता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आप लोगों से इतना तो कह सकता हूँ कि इस मूवी का एंड आप लोगों को शॉक कर देगा। चौथे नंबर पर मैचेटे किल्स। ये मूवी आई थी 2013 में। ये सीक्वल है 2010 में आई मूवी मैचेटे का। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रॉबर्ट रॉड्रिक्स ने। इसमें नजर आते हैं डैनी ट्रेजो, मिशेल रॉड्रिक्स, सोफिया वेरगेरा, एम्बर हेड, लेडी गागा, एंटोनियो बेंडेरास, कोबा गोडिंग जूनियर, वॉल्ट गोगिंस, विलियम सैडलर, मिल गिब्सन। इस मूवी में हमें मैचेटे यूएस गवर्नमेंट के लिए दुश्मन को मारते दिखाया गया है। यहाँ उसकी लड़ाई एक आर्म्स डीलर से है जो एक हथियार स्पेस में लॉन्च करने वाला है, किसी भी तरह से उसे रोकना है। तो क्या वो कामयाब होगा उसमें, ये देखने के लिए आपको ये मूवीज देखनी पड़ेगी। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मैचेटे। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में। इसे डायरेक्ट किया है रॉबर्ट रॉड्रिक्स और इथन मैनिक्स ने। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें हमें नजर आते हैं डैनी ट्रेजो, स्टीवन सेगल, मिशेल रॉड्रिक्स, जेफ फही, चेश मरी, लिंसे लोहान, डॉन जॉनसन, जेसिका अल्बा, रॉबर्ट डिनेरो। कहानी शुरू होती है मैक्सिको से, जहां एक ऑफिसर मैचेटे कॉर्टस जो एक मिशन पर जाता है जिसके बाद उसे धोखा मिलता है। इतना ही नहीं उसकी वाइफ और बच्चे भी मारे जाते। आगे यही बताया है कि मैचेटे कैसे रिवेंज लेता है। जितना सुनने में सिंपल लग रही है उतना देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, देखकर आप लोग खुश हो जाओगे। दूसरी मूवी है ग्राइंड हाउस। ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रॉबर्ट रॉड्रिक्स और क्वेंटिन टेरेंटिनो ने। इसमें भी लंबी स्टारकास्ट देखने को मिलती है, कर्ट रसल, जियो बेल, रोजेरियो, वेनिसो फर्लिटो, सिडनी ट्रेसी, बहुत सारे एक्ट्रेस इसमें। इस मूवी का जेनर है एक्शन एडवेंचर और हॉरर। कहानी की बात करें तो इसमें हमें अलग अलग कहानी देखने को मिलती है, जिसमें जॉम्बीज जैसे क्रिएचर है तो किसमें साइकोपैथ स्टंटमैन। ये मूवी खून खराबा एक्शन से भरपूर है। ये मूवी अगर आप टेरेंटिनो के फैन है तो ज़रूर देखें। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर सिन सिटी अ डेम टू किल। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में। इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.5 की रेटिंग दी है। इस मूवी में हमें मिकी रॉर्के, जेसिका अल्बा, जोश ब्रोलिन, जोसेफ गॉर्डन, रोसेरियो, ब्रूस विलिस और इवा ग्रीन जैसे स्टार्स देखने को मिलते हैं। इसे डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर और रॉबर्ट रॉड्रिक्स ने। कहानी की बात करें तो ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में आपको अलग अलग कहानियाँ देखने को मिलेगी जिसमें मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस है। ये मूवी सीक्वल है 2005 में आई मूवी सिन सिटी का। अगर आपको एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री और थ्रिलर से भरपूर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आप जरूर देखें। तो ये तो सिर्फ पार्ट वन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा व्यूज मिले, बहुत ज्यादा लाइक्स मिले, तो मैं इसका पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर सब बनाऊंगा और आप लोग इसी तरीके से एंटरटेन करूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही जो बेल आइकन उसे प्रेस कर देना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए, टेलीग्राम अकाउंट को मेरे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी मूवीज का लिंक मैं वहीं पर डालता हूँ, जाके
जहाँ से आप लोग इस मूवीज को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। शायद इनमें से भी कुछ मूवीज का लिंक मैं सेंड करूंगा। मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना। बाय।